साजिद अर्चना की लड़ाई में प्रियंका ने एक बार फिर से लगाई अर्चना को डांट। चलिए दोस्तों बात करते हैं, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में, मैं हूँ अदिति शर्मा। तो आज बिग बॉस के घर में एक बार फिर से अर्चना और साजिद खान की लड़ाई हुई है। एंड यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही दिखाई दे रही थी कि साजिद खान जो है अर्चना पर चिढ़े हुए हैं, और जैसे ही अर्चना ने शिव को फेयर कैप्टन कहा तो यहाँ पर साजिद खान खुद के लिए कहने लगे कि मैं तो फेयर कैप्टन नहीं हूँ, मैं फेयर कैप्टन नहीं हूँ। थोड़ी सी बहस यहाँ स्टार्ट हुई, जिस पर साजिद खान ने कहना शुरू कर दिया कि जिनको हकाला गया था उनको लगता है उनका बाप शो चला रहा है। जिस पर अर्चना फिर भी पोलाइटली बोलती नजर आई, ज़्यादा चिढ़कर नहीं, चिल्लाते हुए नहीं। अर्चना ने कहा कि हाँ बिग बॉस ही मेरे बाप हैं, लेकिन काश मेरे बाप के पास इतना पैसा होता कि वो इस शो को चला पाते। लेकिन सर आप बोलिए ना अपने पापा को कि वो चला सकते हैं क्या शो। तो यहाँ पर उसके बाद साजिद खान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो अर्चना पर चिल्लाना शुरू करते हैं। वहाँ पर रखा एक स्टूल जो है फेंकते हैं, जो कि अर्चना के पैर पर लगता है, लेकिन अर्चना उसके लिए कुछ नहीं कहती। और जब अर्चना जो है उसको दर्द हो रहा होता है तो यहाँ पर साजिद खान कहते हैं कि ये ड्रामा कर रही है। उसके बाद दोस्तों लड़ाई आगे बढ़ती है और साजिद खान अर्चना को माँ की गाली देते हैं, जिसके बाद अर्चना का गुस्सा देखने को हमें मिलता है और अर्चना चिल्लाती है कि माँ पे मत जाओ। लेकिन दोस्तों साजिद खान को तो स्टैन और शिव वहां से ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अर्चना पर प्रियंका और सौंदर्य भड़क जाती है और कहती है कि तुझे क्या जरूरत थी, ये बाप वाली बात उन्होंने सबको बोली थी, सिर्फ एक तुझे नहीं बोली थी, तो तुझे इस पर रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था, तूने ये अपने ऊपर क्यों लिया। दोस्तों क्या कुछ है आपको इस पर कहना, कॉमेंट्स में जरूर बताइए।